इतने बड़े हो गए हो, अपनी बुक्स तो सही से लगा सकते हो ना, जल्दी जल्दी लगाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस जी, वीडियो जो कल वीडियो मैंने अपलोड की थी उसी के आगे की है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने आधा आज डाली आधा कल डाली। तो जब मैं हॉस्टल से आई थी उसके बाद की है ये। तो बच्चे बिल्कुल ऐसा बिखेर देते हैं घर कहीं से आओ, मन बहुत दुखी हो जाता है। तो मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगा रही तो आते देखा मैंने गौरव की सारी बुक इधर उधर बिखरी हुई है, तो मैं उससे खुद से लगवा रही थी कि सही से लगा रहे। अब मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, बस क्यों छोटी है उसकी लगा लेती हूँ। वैसे वो अपनी बुक सही से रखती है और इसको तो मैं जो भी बार इधर उधर फेंकेगा ना कुछ भी सामान, तो उसको बोलती मैं खुद से उठा, क्योंकि बच्चों को खुद से अपना काम करने की आदत डालनी चाहिए। और यहाँ पे मैं लंच बना रही थी, तो यहाँ पे रोटी बन रही थी, मेरी हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी और हम लोगों ने तो चावल बनाए। मुझे तो दोपहर को रोटी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और आलू और मूली का खिंचवाड़ी था, एक मूली और एक आलू मैंने सिलबट्टे में कूट करके और उसी का बनाया खिंचवाड़ी। खिंचवाड़ी बन गया था, चावल बन गए थे और लहसुन बनाई थी मैं रोटी, वीडियो पहले इसमें डाल दी मैंने। और रोटी बन रही थी, साथ में पानी कर रही थी मैं बॉयल, तो उबला हुआ पानी दे रही हूँ क्योंकि सर्दी जुकाम हो रहा है ना, तो बच्चों को सबको मैं गुनगुना पानी दे रही हूँ। और यहाँ पे पिहुरा ने कर दिया था बेड का जो चादर है वो सेट, और देखिए पूरा घर अभी कैसे है, अस्त व्यस्त हो रखा है। मॉर्निंग को मैं सिर्फ झाड़ू लगा के गई थी और अभी फिर दोबारा से लगाऊंगी। देखो सुबह पानी गर्म किया था नहाने के लिए, रोड ऐसी की ऐसी यहाँ पे पड़ी हुई है। प्राप्ति भी इतनी बड़ी होगी लेकिन नहीं करती वो अभी तक भी कुछ भी काम। तो उसके बाद पूरा दोपहर को ही मैंने एक 12:30 बजे के बाद पोछा लगाया और उसके बाद खाना बनाया, क्योंकि बड़ी तो लगा तो सकती है लेकिन नहीं करती है वो कुछ भी नहीं। मैं बोल के भी गई थी कि पोछा लगा देना, तो कल तो उसने मतलब परसों तो उसने लगाया था लेकिन कल नहीं लगाया। तो ये बनना था यहाँ पे खिंचवाड़ी, मूली और आलू मैंने सिलबट्टे में कूटा था उसी का खिंचवाड़ी बन रहा है। और कुकर में चावल रखे हैं और ये आटा है, तो इसकी मैंने पहले वीडियो डाल दी थी, रोटी पहले बन गई थी और खिंचवाड़ी भी यहाँ पर बन गया था, साथ ही में पोछा भी लगा रही थी, पूरा घर भी समेट रही थी। कहीं से आओ तो ऐसे कर देते हैं बच्चे, तो आते ही ऐसे हो जाता है कि हमने अभी इतने काम करने हैं। तो जैसे मैं आई पानी भी नहीं पिया, लग गई थी यहाँ पे सफाई वफाई करने पे और खाना बनाने पे, तो खाना बन गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो किचन से मैंने स्टार्ट कर लिया था पोछा लगाना। और मैं कल नहीं डाली इस वीडियो को, हाँ स्पीड भी करती मैं लेकिन फिर भी लंबी हो जाती, क्योंकि लोग लंबी वीडियो देखते नहीं हैं। तो इससे पहले का मैंने कल डाला और उसके बाद जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से शुरुआत आज की है। तो अभी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे पोछा। गाइस बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आया था मैंने, खाना तो बन के तैयार था, तो मैंने सोचा हाथों हाथ यहाँ पे इस वॉश बेसन को मैं साफ कर लूँ। बहुत गंदा सा हो रखा था और थोड़ा भी गंदा दिखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। टाइम तो काफ़ी हो गया था, 1 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, खाना खाने का हो गया था टाइम, तो ये तो आई नहीं थी हॉस्पिटल से, तो मैंने सोचा जब तक आएंगे तब तक साफ कर लेते हैं। गंदा गंदा रहे फिर अच्छा नहीं लगता है, तो बोला मैंने तो प्लास्टिक साफ कर रही हूँ, तो ये भी साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इनको खाना दे दिया बच्चों को, और उसके बाद 2:30 बजे के बाद ही मैंने किया होगा। बाहर का एरिया है ना, तो यहाँ पे पोछा लगाया था, लगान हो गई है, नहीं लगाती हूँ पोछा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तक फर्श बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया था। फिर ये है कि कुछ काम हम छोड़ दें तो छूट ही जाता है, और कर लिया तो हो ही जाता है। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया है, ये कपड़े तो मॉर्निंग में ही धुल दिए थे, और कुछ जो हॉस्पिटल से आए या कुछ बात के कपड़े थे, बच्चे नहाए, ये भी जब मैं आ गई उसके बाद ही नहाए, कोई भी नहीं नहाया था तब तक, तो सारे कपड़े ऐसे ही डाले हुए थे मशीन में, वो तो मैंने आज धोए मॉर्निंग में, कल नहीं धो पाई, फिर इवनिंग को ऐसे हो ना, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो कपड़े धोए आज सुबह मॉर्निंग को। तो यहाँ पे देखिए वॉश बेसन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, ऐसा साफ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है। फिर बंद कर। और उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर में जो बरामदा है ना, तो यहाँ पे लगा रही थी लास्ट में पोछा, ये बाहर का एरिया है गेट के सामने, बस इसमें लगाया लास्ट को, अंदर तो पहले लग दिया था, वॉश बेसन साफ किया, टॉयलेट साफ किया, तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे बाहर में लगा रही हूँ मैं। अभी भी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, उस दिन जिस दिन फर्स्ट दिन मेरे को वो हुआ था ना, कोल्ड हुआ था, उस दिन मैंने दही खाई, वो भी रात को, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया ना कोल्ड को ठीक होने में। दवाई तो ले रही थी, लेकिन जैसे दवाई ले रही थी तो उसी दिन ठीक हो जाना था, लेकिन मैंने खाई थी उस दिन दही, फर्स्ट दिन जिस दिन कोल्ड शुरू हुआ उसी दिन दही खाई, इसलिए जल्दी से ठीक नहीं हो रहा ना, ठंडा खा लिया वो भी रात को। तो यहाँ पे ऊपर से जो वॉश बेसन साफ किया तो ऊपर से छिट्टे पड़ जाते हैं, बहुत गीला गीला सा हो जाता है वॉश बेसन के नीचे, तो यहाँ पे मैं 2-3 बार पोछा लगाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी गिर गया था नीचे, तो ऐसे में बच्चों का फिसलने का डर रहता है, और कई बार हाथ में धोते समय वो पानी नीचे गिरा देते हैं, तो इस एरिया में जो ये टॉयलेट का दरवाज़ा, बाथरूम का दरवाज़ा, वॉश बेसन। और अभी शायद 3:15 का टाइम हो रहा है, और खाना पीना हो गया है, बर्तन मैंने धो लिए, और अभी थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ये दवाई निकाली मैंने अभी नाक में डाली है, कोल्ड हो रहा है, तो ये दवाई लेके आई थी मैं परसों, तो मुंह में रख रही, कितनी गंदी बात है, इसको नाक में डाली, और एक अभी खानी भी एक दवाई, और इतनी थकान हो जाती है ना, घर में तो हम पूरे दिन कितना भी काम करें इतनी थकान होती है, थोड़ी देर के लिए हम घर से बाहर जाए तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये जो वीडियो अभी अपलोड हुई है जब मैं गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ से आने के बाद मैंने वो वीडियो को वहीं पर एंड कर लिया था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और कोई देखता तो है नहीं, उसके बाद ही मैंने दूसरी वीडियो स्टार्ट कर ली थी, काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने एक वीडियो का एंड किया, वहीं से दूसरी स्टार्ट कर ली थी, और आवाज़ आ रही होगी ना आप लोगों को पीछे से, तो यहीं थोड़ा पास में ही भागवत कथा हो रही है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही होगी, आप लोगों को भी आ रही होगी। क्या कर रही है सर? और ये भी खुद से नहाई है, और जब मैं आई ना उसके बाद ऐसे हो रखी थी घर की हालत, ये लड़की भी कुछ नहीं करती है, मैं कह के भी गई थी थोड़ा ज़रा समेट लेना घर को, झाड़ू तो मैं लगा के गई थी, पोछा वगैरह मैंने आने के बाद लगाया, कल तो उसने लगा लिया था, आज नहीं लगाया, आज मैंने ही लगाया आने के बाद, खाना बन रहा था तो खाना बनाने के बाद मैंने पोछा लगाया, फिर समेटा पूरा घर, तो ऐसे होता है जब हम कहीं से आते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और ये मेरे को बोल रहे थे, ये उस समय हॉस्पिटल में ही थी, इनका
इनका नंबर नहीं आया था उस समय और मैं आ गई थी, तो मैंने इनको कॉल की कि दिखा लिया तुमने डॉक्टर में, एक ही हॉस्पिटल में थे, इन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाना था, मैंने दूसरे, तो इन्होंने कहा अभी एक घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं आ गई थी, मैंने कहा मैं नहीं रुक सकती, मैं पैदल ही चल जाऊँगी। वैसे ऑटो रिक्शा आते रहते हैं, दुनिया भर के आते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं पैदल ही चल लूँगी धीरे धीरे करके, और जब तक आप आओगे तब तक मैं खाना पीना बाकी के काम निपटा लूँगी। तो ये तो अभी आए, शायद 3:45 होने वाली थी, 2:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया था तब आए ये, तब हमने लंच किया, उसके बाद बर्तन वर्तन मांजे। तो जस्ट अभी मैं यहाँ पे लेट रही हूँ, तो थोड़ी देर कर लेती।